हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि स्प्राउटेड चना खाने के क्या क्या फायदे होते हैं। जो अंकुरित वाले चने होते हैं, अगर आप उसे हर दिन खाते हैं तो आपको इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब कैसे खाना है, अंकुरित चना कैसे करना है, जैसे आप चना भिगो देते हैं, भिगोने के बाद आप क्या करिए, उस चने को जो है एक कॉटन के कपड़े में रख दीजिए और फिर उसे थोड़ा सा राउंड करके किसी बर्तन में करके रख लीजिए। फिर अगले दिन मॉर्निंग में क्या होगा, उसमें से छोटे 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 उसके क्या हो जाएंगे, मतलब स्प्राउटेड हो जाएंगे, वो आगे जाके मतलब बड़े हो जाएंगे, उनके जो स्प्राउटेड होते हैं वो बड़े हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करिए, उस चने को खा लीजिए। अगर आप अंकुरित वाले चने खाते हैं, मतलब चने अंकुरित हो गए हैं, अब आप उस अंकुरित वाले चने को अगर आप खाते हैं तो आपको उससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। पहली बात तो जो अंकुरित वाले चने होते हैं उसके अंदर फाइबर होता है, मिनरल होता है, बहुत सारे विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, इतने सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है, तो सोचिए आपके हेल्थ के लिए वो कितना ज़्यादा बेनिफिटेड होगा। अब अगर आप उसे खाते हैं तो उससे क्या होगा, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है। सुबह मॉर्निंग में बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है कि वो सुबह उठने के बाद पहले तो 1 से 2 ग्लास चाय पीते हैं। बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है, चाय नहीं पीते तो कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी नहीं पीते तो बाहर से कोई चीज़ मंगा कर खाते हैं। अब अगर आप इन चीज़ों को खा रहे हैं और 1 महीना इन चीज़ों को खा के देखिए, 1 महीना आप चने खा के देखिए, आपको किससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, चने से मिलेगा। तो आपके घर में एक मीडियम साइज की कटोरी होगी, आप उस कटोरी के नाप का जो है चना खा सकते हैं। एक कटोरी चना आप अगर हर दिन मॉर्निंग में खा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड होगा। और चना खाने के बाद 1 से 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना है। अगर आप पानी पी लेंगे तो आपका चना सही से डाइजेस्ट नहीं होगा अच्छे से। तो और क्या करिए, उसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए उसके अंदर टमाटर, प्याज, नींबू, मिर्चा, कुछ जो चाट मसाले होते हैं वो, उसमें थोड़ी सी मूंगफली और नमकीन, इन सभी चीज़ों को ऐड करके आप थोड़ा उसे और भी ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं, जैसे मार्केट में मिलता है, लेकिन आपको घर में ही बनाना है। तो इस तरीके से बनाकर भी आप चना खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे और उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अभी तो जो घोड़े होते हैं उनको चना ही तो खिला के पूरे दिन काम कराया जाता है, तो सोचिए उससे कितनी एनर्जी हमें मिलती है। तो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। अगर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है उसे ठीक कर देता है, हार्ट को हेल्दी रखता है। अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप जो है स्प्राउटेड चना का यूज़ कर सकते हैं। और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। नेक्स्ट है वो है डायबिटिक पेशेंट होते हैं, वो भी इजिली खा सकते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो उनके डायबिटिक लेवल को बढ़ाएगी, इसलिए जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं वो भी चना खा सकते हैं। नेक्स्ट है वेट लॉस, जो अपने वेट को कंट्रोल करना चाहता है वो खा सकता है। जैसे अगर आप मॉर्निंग में 1 कटोरी चना खा लेंगे तो आपको 4-5 घंटे तक भूख नहीं लगेगी, वो बहुत हैवी होता है, न्यूट्रिशन उसके अंदर इतना ज़्यादा होता है कि आपकी बॉडी उसे आराम आराम से डाइजेस्ट करेगी, आपको 4-5 घंटे तक भूख नहीं लगेगी, तो इससे आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है स्किन को ग्लो रखता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और न्यूट्रिशन रिच होता है। हेयर फॉल, जिसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं वो भी चना खा सकता है, उसके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। लास्ट है बूस्ट द एनर्जी, एनर्जी रिच होता है, इतना ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी होता है कि आप अगर जो है अंकुरित वाले चने खाते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। इस तरीके से हमने रोस्टेड चने के बारे में भी वीडियो डाली है कि भुना वाला चना खाने के क्या फ़ायदे होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अंकुरित वाले चने खाने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। जैसे भुना वाला चना आप दिन में कभी भी खा सकते हैं, लेकिन ये जो अंकुरित वाले चने होते हैं अगर आप इसे मॉर्निंग में खाते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम मॉर्निंग का होता है, क्योंकि मॉर्निंग के समय क्या होता है कि जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और बहुत अच्छे से जो है सिक्रीशन करता है, एंजाइम का सिक्रीशन करता है। तो इससे आप जो कुछ भी खाएंगे, कितनी भी हैवी चीज़ खाएंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है। तो इसीलिए आप मॉर्निंग में भुना, मतलब जो है भुने चने को आप शाम को खा सकते हैं शाम में, और जो अंकुरित वाले चने होते हैं उसको सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग का ही। तो आज से अंकुरित वाले चने खाने हैं ताकि आपको वो सारे बेनिफिट्स मिले जो हमने आपके साथ शेयर किया है। हर वीडियो में हम यही बात करते हैं कि अगर आप एक प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, प्रॉपर बैलेंस डाइट फॉलो करते हैं, तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपकी बॉडी कभी भी जो है बैड नहीं फील करेगी, हमेशा एक्टिव फील करेगी, हमेशा अच्छा फील करेगी, अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल और एक प्रॉपर बैलेंस डाइट को फॉलो करते हैं।
बस आपको क्या करना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके जो कुछ भी आपके मतलब जो कुछ भी आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट सेशन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिस भी चीज से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे सरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक के लिए थैंक यू।